बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने हिस्सा मान में रखे। अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक, फिट फाट, फाइन चैन, बढ़िया बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। सो आज जो मैं आपके साथ अपनी छोटी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़क चाय की रेसिपी, जो कि अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मैंने अच्छा काम किया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप दूध ले लिया, उसको मैंने सिल्वर के सॉस पैन में, देखिए सिल्वर के सॉस पैन का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टील में बनाती हैं तो वो सही नहीं बनती, उसका जायका नहीं आता। तो सिल्वर का बर्तन लेके आप उसके अंदर चाय बनाएं तो आपकी चाय बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने ले लिया सिल्वर का सॉस पैन एंड दूध को मैंने उबलने रख दिया। जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम है, हाई नहीं है, मीडियम है। सो अब मैं 2 कप चाय के लिए मैं ऐड करूँगी इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ शुगर। शुगर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास अगर बारीक शुगर है तो वो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है मेजरमेंट के हिसाब से आप ऐड करें। अगर नॉर्मल बनाएंगे ना तो आप 2 कप दूध में आप 1.5 टेबल स्पून आप शुगर डालिएगा। सो साथ साथ मैं इसको स्पून की मदद से हिला रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं बना रही, मैं थोड़ा बना रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो मैं पवा ले लूँगी। तो चाय इसलिए बन रही है इस टाइम, तो वैसे भी बनती है। आज दरअसल पापा ऑफिस से जल्दी आ गए थे, बहुत जल्दी, तो मैंने कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, तो मैं उनको चाय बना के दे रही हूँ। और मुझे चाय पीना पसंद है, तो इसलिए मैं खुद के लिए भी बना लेती हूँ। सो हमारा जो है दूध बॉयल हो रहा है, और आप देख रहे हैं वो उस साइड पे बबल आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने जो है चम्मच से इसको हिलाने का प्रोसेस नहीं छोड़ना, क्योंकि जो है जब तक उसको अच्छा सा उठक पटक नहीं कराते चाय को तो वो सही नहीं बनती। तो मैंने तो इसकी अच्छी खासी उठक पटक करा ली है, तो मैं तो साथ साथ जी ये देखिए लाऊंगी धड़ाधड़, क्योंकि जो है जब तक चाय को अच्छी तरह चाय मिक्स नहीं होगी ना, हर चीज़ उसमें मिक्स ना हो जाए, चाय का कोई फ्लेवर नहीं आता। तो अगर आप चाहें तो आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, मैंने करनी थी मगर वो कल ही ख़त्म हो गई। तो मैंने इसके अंदर डाली थी, पहले मैंने 1/2 टीस्पून डाली पत्ती, उसके बाद मैंने फिर 1/2 टीस्पून डाली पत्ती, उसके बाद मैंने फिर 1/2 टीस्पून डाली पत्ती। तो मैंने इसमें टोटल डाली थी 1 टीस्पून पत्ती, ज़्यादा नहीं डाली वरना कड़वा कड़वा फ्लेवर आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप देखें कलर कैसा, कितना प्यारा आ रहा है। और मैं हिलाऊंगी, अक्सर ऐसा होता है ना कि ऐसे बबल जाते हैं और वो चाय नीचे गिर जाती है, तो फ्लेम अपना इतना रखे कि चाय नीचे ना गिरे और बबल जाते ही बरकरार रहे। तो साथ साथ हिलाएं इसको, देखें इस मेरे स्टाइल से हिलाएंगे तो आई एम श्योर आपकी चाय बिल्कुल अच्छी बनेगी जैसे मेरी बनी थी। और मेरी चाय भी मैंने पी के चेक की तो बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम चुस्त हो गई थी मैं तो बिल्कुल। तो दोबारा इसको देखे बबल्स नीचे बैठ गए, जब ये बबल्स बिल्कुल नीचे बैठ के प्लेन चाय की तरह हो जाएगी ना इस तरह का, तो देखें हमारी चाय रेडी हो गई है लगभग। लेकिन मैं फिर भी इसको 30 सेकेंड के लिए फिर बॉइल दिलाऊँगी एंड देन इट्स टाइम टू डिश आउट। अब मैं डिश आउट करूँगी अपने प्यारे से कप में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का कप। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस कलर का कप अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं डालूँगी चाय एंड सी वाओ कितना प्यारा कलर आया है। सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन। एंड आपको तो पता है शाम की चाय हो और साथ कोई केक रस और बिस्किट ना हो तो बिल्कुल जो है स्नैक्स अच्छे लगते हैं चाय के साथ, नींबू वगैरह और केक वगैरह। तो
मैं साथ लूँगी बिस्किट। सो बहुत अच्छा लग जाता है टी टाइम एकदम, समोसे पकौड़े भी हो जाए तो अलग ही बात है, लेकिन अभी जो है मैंने फास्ट एंड फास्ट काम किया ये वाला। सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अच्छा सा फीडबैक क्लास में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।